तारीख में हम लिखा हुआ सिखाते हैं पर उसको करते वगैरह नहीं। प्रभु ने इसी कारण से उलाहना देते हुए कहा था, हे फरीसी और सदूकियो, तुम अपनी कलीसिया को, तुम अपने लोगों को बड़ा बड़ा पत्थर ढकेलने के लिए आदेश देते हो और खुद कंकर भी नहीं ढकेलते हो। ये बात एज्रा के अंदर भी देखी गई थी। एज्रा की किताब के 7वें अध्याय में, बाइबल 6वें पद में लिखा है, एज्रा मूसा की व्यवस्था के विषय में शास्त्रियों के परमेश्वर के, इज़राइल के परमेश्वर ने दी थी, निपुण शास्त्री था। ही वॉज ए स्क्राइब, वह एक निपुण शास्त्री था। तो शास्त्री बनने की ट्रेनिंग लिया था, उसको डिग्री भी मिली थी PhD की, कि जाकर के मूसा की व्यवस्था को लोगों को सिखाए। पर एज्रा ऐसे ही नहीं चला गया। 10वां पद देखिएगा, 10th verse, क्योंकि एज्रा ने यहोवा का अर्थ बूझ लेने के लिए दरवाजा खिड़की बंद करके ट्रेनिंग लेने के पश्चात वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए ठहरा रहा और अर्थ बूझने लगा। और अर्थ बूझने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता मिली, अंदर नहीं बाहर से, और उसके अनुसार चलने। लिसन मी केयरफुली, पहले वो चलने लगा। फर्स्ट ही बिगिन टू ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड विच इज रिटन इन द लॉ ऑफ मोसेस एंड देन ही बिगिन टू टीच द पीपल ऑफ इज़राइल। जब वो चलने लगा तब उसने विधि नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। आज लोग चलते वगैरह तो नहीं हैं, सिखाने की ड्यूटी करते हैं। बाइबल का प्रभु कहता है, वही सिखाओ जिसको तुमने व्यवहारिक रूप में अनुभव में ले लिया है। तब जाकर के प्रभु जी का वचन ये पूरा हो जाता है, वह करता और कर्त किया, करता और सिखाता। इसी तरीके से आज भी हमको पहले करना है, हमें फल मिलेंगे, तब लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। इसलिए जितने भी बाइबल पढ़ने वाले हैं, पढ़कर के ज्ञान न बटोरो, उस पर चलना शुरू करो तो फल दिखेंगे, आप अच्छे पेड़ों की लिस्ट में आ जाएंगे। और पढ़ाने वालों, पढ़ाने से पहले उसको जीवन में काम में लाओ तो अच्छे पेड़ बन जाइएगा, तब लोग तुम पर विश्वास करेंगे कि इसने बाइबल पहले अपने अंदर पिरो लिया है, तब हमको सिखाता तो इसकी बात मानने में मजा आता है। झूठा वो है जो सिखाता है पर चलता नहीं। झूठा नबी वो है जिसके अंदर फल नहीं है और वह भविष्यवाणी कर रहा है। इसलिए कोरोना वायरस की महामारी में परमेश्वर ने सब कुछ, चाहे वह बड़ी मिनिस्ट्री हो चाहे छोटी मिनिस्ट्री हो, सबको लॉकडाउन इसलिए कर दिया है कि आप पहले चलना सीखें फिर चलाना सिखाना। जो खुद नहीं चल सकता वो क्या खाक चलाएगा। इसलिए ये बिजनेस प्रचार का नहीं है, सीखने सिखाने का नहीं है, वरन इसको अपनी जिंदगी में अपनाने का है। और यदि इन महामारी के दौरान आपने परमेश्वर के वचन पर चलना नहीं सीखा तो परमेश्वर अगला लॉकडाउन लाएगा जहां पर हम में से कई निपट जाएंगे। सावधान, क्योंकि यीशु के आगमन के वक्त भूत निकालने और भविष्यवाणी करने और बड़ा बड़ा लंबा लंबा हम जैसे बेवकूफों के समान प्रचार करने वाले अपना परिचय नहीं दे सकते हैं कि मैं आत्मिक हूं। अरे बाइबल तो बिलाम की गधी भी बोलती है, और शैतान को हमसे ज्यादा बाइबल मालूम है। यदि कोई बाइबल कोट करे तो उसे परमेश्वर का जन नहीं समझा जा सकता है। यदि उसके अंदर फल नहीं है तो शंका की दृष्टि से देखना चाहिएगा, कहीं आप भटक ना जाएं। जो तुम्हें कुछ कह रहा है ना, उसका व्यवहारिक जीवन कैसे है, पहले अंदर झांक करके देखें, तब उनकी बातों पर यकीन करें। कहीं ऐसा ना हो कि पतरस के समान वह अपने ज्ञान से कहे कि हे प्रभु, तेरे सामने ये मरने वरने की बात नहीं होगी, तो आपको मालूम है प्रभु ने उसको कहा, हे शैतान। यस, जो अपनी बुद्धि खर्च करते हैं बाइबल के पीछे उनको यही डिग्री मिलेगी। नाम लेके परेशान नहीं करेंगे हम आपको, परंतु जो उस वचन के अनुसार चल के फल रखने के द्वारा प्रमाणित कर देंगे, प्रभु जी कहता है तुम जियोगे। आज अंजीर के पेड़ में पत्ते तो हैं पर फल नहीं है, इसलिए हम सूख जाने की कगार में हैं। अच्छा हुआ प्रभु नहीं आया फल ढूंढने,
कुछ मौका और दिया है, दूसरे आगमन के पहले वह फल ढूंढने वालों फल ढूंढने आएगा, और जिसके अंदर फल हैं वो सर्वाइव करेगा, और जिसके अंदर फल नहीं है वो 7 साल के महाक्लेश काल के समान सूख जाने में भेज दिया जाएगा। प्रभु आपके मन की आंखों को खोले, डू नॉट प्ले विथ योर फ्यूचर। यस, ये वक्त परमेश्वर ने हमको वचन के अनुसार चलने के लिए दिया है, सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं दिया। इसलिए मुझे सबसे पहले इसको अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक कर लेना चाहिए कि मैं किसी की बुराई ना करूं, मैं अपनी आंखों पर नियंत्रण करूं, मेरे कान सुरक्षित रहें, मेरे जज्बातों में पवित्र आत्मा का वचन पाया जाए, मैं बहक ना जाऊं, तब मेरे लिए फल रहने के कारण, सर्वाइव करने का कारण बन जाएंगे। पिता आपकी आंखें खोले, दुआ।